हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका तो भैया पता नहीं, पर इन बेवड़ों के कुछ हाल ऐसे है आजकल। नागन नागन डांस नचना, मैं नागन नागन क्योंकि ये लोग मतलब मजे कर रहे हैं, क्योंकि भैया सरकार ने ठेके खोल दिए हैं, और ठेके खोल दिए मतलब शराबियों के मजे ही मजे है। तो आइए चलिए पहले स्टार्ट कर दे। तो मतलब जब इन लोगों के ठेके नहीं खुले थे, तब भैया इनका हाल कुछ ऐसा था। और हाँ, अगर बात शराबियों पे आती है, तो शराबियों के लिए एक कहावत अच्छी खासी जानी पहचानी है कि भैया शराबियों के दो ही ठिकाने, पहला ठेका तो दूसरा थाने। तो भैया लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, लेकिन सरकार को भरोसा है हमारे बेवड़ों पे। सरकार को भरोसा है हमारे अल्कोहलिक पर्सन पे कि अगर भैया इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं तो बस अब यही है, बाकी तो किसी के बाप की भी ताकत नहीं है कि जाके इकोनॉमी बढ़ा ले। और शराब की दुकानों पर आज भी अजब गजब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स कतार में खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आया। फूलों की बारिश करने वाले इस शख्स की दलील थी कि शराब के ये ग्राहक ही देश की अर्थव्यवस्था। तो भैया हमारे गुजरात में लोगों को मावा सिगरेट नहीं मिल रहे, और दूसरे स्टेट वालों ने शराब की दुकानें खोल दी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चलो नहीं यार, मैंने सोचा था कि यार पापा की परी है, उड़ सकती है, दारू थोड़ी पी सकती है, पर भैया आमिर खान ने सही बोला था, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। पीना है पीना है पीना है, हो दारू बदनाम करती नाम करती, ए ताना तेरे आधे कार हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा। पर भाई अपने को लगा कि ये लड़की है, दारू वारू नहीं पिएगी, मतलब किसी दूसरे के लिए लेने के लिए आई होगी, पर नहीं, साला हम ही गलत थे। लोकन भी थी तुपका तुपका, लोकन भी थी तुपका तुपका, मैं डबी थी बटे ना मैं। सरकार के मतलब सही फायदे हैं। पहले दिन ही उत्तर प्रदेश की सरकार 300 करोड़, केरला में कुछ 40-45 करोड़ जितना हुआ है, और राजस्थान की तो बात ही अलग है, 2 घंटे में भैया 45 करोड़ का कारोबार कर लिया। तो मतलब सच में यार देश की इकोनॉमी शराबियों पे ही चलती है। यूपी में 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई, और ये सिर्फ डे वन का हाल है अब। और यूपी में सिर्फ लखनऊ में 6 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। कर्नाटक की बात करें तो 45 करोड़ रुपए का शराब जो है वो यहाँ पर बिक गई। राजस्थान में तो सिर्फ 2 घंटे में 59 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। और जो लोग बोल रहे थे ना कि बच्चे देश का भविष्य है, तो नहीं भैया, देश का असली भविष्य तो यही लोग है। ये देखो एक दिन का ठेका है, एक दिन का हाल है ये। शुरू में मुझे लगा कि यार कहाँ इन बेवड़ों के लिए ठेके खोल दिए, और हमारे लिए स्कूल कॉलेज नहीं खोले, पर हम कर भी क्या लेते। ये लोग अपना काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, मतलब देखिए ये तस्वीर जो है, नारियल भी नारियल फोड़ दिया, ये तो नारियल फोड़ रहे हैं, शराब की शटर बंद दुकान पे, और ये बोतल हाथ में आ जाएगी तो राम जाने ये शख्स क्या करेंगे, ये महोदय क्या करेंगे। तो एक और बात कि भैया ये लोग पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी ये लोग पहले घर नहीं जाते, ये लोग जाते हैं ठेके पे, क्यों? देश के लिए यार। और वहां पे जाकर भी ये लोग लाइन में लगेंगे 2-2 घंटे। तो भैया सही में हम लोग देश के लिए क्या कर रहे थे? नहीं बोलो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, असली फ्यूचर तो ये लोग है। मैं तो इन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये लोग देश के लिए मतलब भैया अपना किडनी बेच दिए। सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया,
गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे दो भाई मिलिट्री में है। हम अपना देश के बिगाड़ संभव दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है। तो भैया एक पापा की परी ने मतलब अपने बॉयफ्रेंड को बेच दिया शराब की बोतल लाने। भैया ने तो पहली बार कभी पी नहीं दी, तो भाई ने खुद ही पी ली एक बार, और मतलब फिर हुआ ये हाल, जाके देख लो यार। और मतलब एक जगह पे तो कुछ हद ही हो गई कि भैया अगर शराब ना मिली ना तो ये बेवड़े दूसरों का क्या हाल करते हैं। ये मामला ओंछा थाना क्षेत्र के ग्राम बुंडरे मोहल्ले का है, जहां शराब ना मिलने पर दो शराबी आपस में भिड़ गए और मामला इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे का कान खा लिया, जिसके बाद घायल शराबी लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उसको अस्पताल पहुंचाया गया। तो भाई ये सब हो रहा था, फिर मतलब आए इनके बेवड़ों के सरदार। अब जब ठेके पे गए एक हमारे बेवड़े भाई साहब के साथ, मतलब किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने उन्हें पूछ लिया कि आपका मतलब आज पूरे दिन का प्लान क्या है, तो उन्होंने प्लान सुनाया कुछ ऐसा। आगे मैं दो महीने से वेट कर रहा हूँ दुकान का खुलने का, पता नहीं ये दुकान कब खुलने वाली है। कल मैंने न्यूज में सुना है, मैं सुबह से आके वेट कर रहा हूँ। जैसे दुकान खुलेगी मैं 4 से 5 कमरे लूंगा, घर पे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, उसके साथ में मस्त से चकना बना के पी के आराम से खाऊंगा, सोऊंगा, फिर उठूंगा, पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा, पीऊंगा। तो भैया ज्यादा पी ली हो तो ईमानदारी तो निकल ही आती है, और ईमानदारी निकलती है तो मतलब एक सच चा बेवड़ा यही बोल सकता है भाई। सौ नंबर फोन किया? जी सर। कितनी बार फोन किया? ऐसे करीबन 2-3 बार फोन किया। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या, हम शराब ज्यादा पीते हैं इसलिए मुझे ठंड में छोड़ दो चलकर। तो मतलब इनका फंडा भाई सही है, लोग शराब की पीकर भी जुल्म कबूल नहीं करते, और ये भाई साहब ने तो अपना जुल्म सामने से फोन करके कबूल कर दिया। अपराधी है ना, अपराधी है। और यार देख रहे हो तुम साला, हम सोचे थे कि देश की इकोनॉमी हम आम आदमी की वजह से चलती है, पर नहीं भैया, देश की इकोनॉमी तो ये लोग चला रहे। वो देख, वाकई बेटा बेवड़ों ने अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। तो हाँ भैया, तो भैया ये वीडियो एक मजाक था, इसको ज़्यादा दिल पे ना ले, और इन महान बेवड़ों के लिए एक लाइक तो बनती है। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया जाके कमेंट में बता दीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे।